राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान हो चुका है, अब इंतजार है 3 दिसंबर का। दिसंबर को क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, तमाम सारी बातें हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विजय बैसला जी, जो देवली उनियारा से भाजपा के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़कर के मैदान में आ गए हैं। अब मैदान के बाद रिजल्ट की बारी है। विजय जी, क्या लगता है, क्या रहा चुनाव, कैसा रहा इस बार? बहुत अच्छा चुनाव रहा, लोगों में बहुत उत्साह रहा और एक उत्सव की तरह लोगों ने चुनाव लड़ा। लोगों ने बदलाव को प्राथमिकता दी। कांग्रेस के जो राज रहे हैं पिछले 5 साल के, और अगर पूरे राजस्थान में तो परेशान थे ही थे, देवली उनियारा में तो बुरा हाल था। वहां के जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने तो, अगर मैं शब्द वर्ड्स यूज करूं तो मेरे पास तो शब्द नहीं है, इतने बुरे हाल। प्रशासन का की तरफ से भय, भ्रष्टाचार का तो कोई सीमा ही नहीं। मैं करीब 45 दिन वहां रहा शुरुआत में, और 45 दिन में मैंने करीब 90% गांव में मैं पहुंचा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला मुझे जो ये कह रहा हो कि कांग्रेस से वो खुश है और विधायक से वो खुश है। विधायक तो 5 साल में गांव तक नहीं गए। पूर्व डीजीपी थे आपके सामने, दूसरी बार चुनाव मैदान में थे, आपके पास आपका अपना काम, अपने पुराने जो काम थे उसके हिसाब से आप थे। भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया, आपने कहा था कि बहुत मेहनत से चुनाव लड़ेंगे। अब क्या लगता है कि कितना बड़ा मार्जिन हो सकता है जीत के? लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है कितनी मार्जिन हो सकती है देवली उनियारा में? देखिए, बात मार्जिन की नहीं हो रही, बात यह है कि लोगों को कितना ज्यादा बदलाव की जरूरत है। और जितना मुझे समझ में आया, लोग बदलाव बहुत ज्यादा चाहते हैं। आप समझिए इस बात को कि जो क्षेत्र पूरे जयपुर और अजमेर को पीने का पानी देता है, वहां पर पूरे देवली उनियारा के लोगों को, बीसरपुर बांध से जो पानी देता है, देवली उनियारा आमली तक 196 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पूरी विधानसभा सेकंड लार्जेस्ट विधानसभा है, कहीं पर भी पीने का पानी नहीं है। बट आप समझिए इस बात को कि माँ बाप जानते हुए कि जो पिला रहे हैं सुबह का पानी, ये जहर है, और ये जहर बच्चों को पिला रहे हैं, इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकता है। तो पानी बड़ा मुद्दा दिखा, बहुत बड़ा मुद्दा, पानी, रोड्स ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। स्कूल के अंदर में जो टीचर्स हैं वो दारू पी करके, सोप गांव में दारू पी करके रोड के ऊपर धुत पड़े रहते हैं। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? कोई मतलब जंगल राज, कोई कंट्रोल करने वाला है ही नहीं, क्योंकि जो वर्तमान विधायक है वो तो अपनी गाड़ी से उतरते नहीं। स्थिति इतनी गंभीर है और इट रिक्वायर्स अ कंप्लीट चेंज, जिसको बोलते हैं ना कि पूरा ओवरहॉल, इंजन ओवरहॉल करने की जरूरत है। ये स्थिति है, तो बदलाव की जरूरत है। आप भी बताइए कि पार्टी आपके हिसाब से, आप लगातार और भी विधानसभा क्षेत्रों पे गए, खंडार, तमाम चीजों जगहों पे गए, आपकी डिमांड भी थी, लोग आप बुला भी रहे थे, आपको क्या लगता है कि जो एक मैंडेट मिलना चाहिए वो होगा, या जो परसेंटेज वोट का देखा जा रहा है 75.40 के आसपास ये जो है वोटिंग हुई है, सब चीजों कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए, देवली उनियारा में हाईएस्ट वोटिंग हुई अब तक 76% समथिंग, और पूर्वी राजस्थान की सारी सीटें आ रही हैं बीजेपी, बिल्कुल बीजेपी। मैंने आज से 2-3 महीने पहले कहा था कि हम 156 सीटें लेकर आएंगे, तो आपको मैं बता दूं कि हम 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी राजस्थान में, इसमें कोई शक नहीं, बहुत भारी बहुमत से जीत होगी। और जो लोग निष्क्रिय रहे हैं, जो अपने आप को बाहुबली साबित करते आए हैं, वो परस्त होंगे इस बार। कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की लीडरशिप में ऐसे ऐसे आयाम बनाएगी जो दुनिया में कभी देखे नहीं होंगे। आपको क्या लगता है गेम चेंजिंग कहां से हो रहा है, क्या गेम चेंजर रहोगे, फैक्टर क्या रहेंगे जो आपके लिए पक्ष में जा रहे हैं? विधानसभा की बात कर रहे हैं या विधानसभा देवली उनियारा दोनों? देखिए, अगर आप विधानसभा की बात करें तो जो सबसे बड़ा गेम चेंजर ये है, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, इंटेग्रिटी, ये 3 चीजें जो है ना, ये कांग्रेस में नहीं है। और हम जब प्लेटर पे आते हैं बात करते हैं तो हम इसी चीज पे बात करते हैं, सच्चे आदमी है, सच बोलते हैं। हमारा ध्येय पिछले 8 सालों से और कर्नल साहब के समय से लोगों के लिए काम करना है। हम चाहते हैं कि भाई जो भी आदमी 50-55 साल का है ना, उसकी जिंदगी तो समाप्त सी होगी सर, लेकिन जो बच्चा 8-9 साल का है वो तो अपनी जिंदगी शुरू कर रहा है। हम उसको कैसा देवली उनियारा देंगे जब वो 18-19 साल का होगा या 21 साल का, जब जिंदगी में पैर रखेगा, वो तो हमें आज डिसाइड करना है। और हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के प्रण किया है, जितने भी लोग देवली उनियारा के हैं, 2,90,000 मतदाता जो है, उन्होंने ये प्रण किया है कि हम देवली उनियारा को एक मॉडल विधानसभा बनाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये इस बात का द्योतक है कि पीपल आर लुकिंग फॉर अ चेंज, फॉर अ पॉजिटिव चेंज,
एंड दे आर लुकिंग टूवर्ड्स समथिंग विच इज मोर बेनिफिशियल टू देम। देखो क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति कोई डिसीजन लेता है, चाहे वो परचेज डिसीजन हो या पॉलिटिकल डिसीजन हो, उसमें एक क्वेश्चन आता है जिसको वो आंसर खुद करता है। वो क्वेश्चन होता है व्हाट इज इन इट फॉर मी, कोई काम करने से मेरे खुद के लिए क्या फायदा होगा और मेरे परिवार के लिए क्या फायदा होगा। अगर दोनों चीजें उसको असर्टिव मिलती है तो वो डिसीजन लेता है। और भारतीय जनता पार्टी को देख करके उसको ये क्लियर है कि उसको खुद को भी फायदा है और उसके परिवार को भी बहुत फायदा है। एजुकेशन में फायदा है, हेल्थ में फायदा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फायदा है। आप देखो पिछले इतने सालों से कोई भी न्यू बिजनेस अरेंजमेंट ही नहीं है। बेरोजगारी हटाने के लिए कोई रोजगार का कोई स्रोत ही नहीं मिला 5 साल में। लोग तो केवल अपने जेबों में पैसे डालते रहे। कोई व्यक्ति अगर फेसबुक पोस्ट कर लेना देवली 11 में आज की डेट में तो उसके ऊपर FIR हो जाती है। ये तो राज है इनका। क्या है ना कि वो कहावत है कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, तो DGP साहब भूल जाते हैं कि वो DGP नहीं है, वो जनसेवक है। कोई बात आपको याद आ रही हो चुनाव प्रचार में जो आपने 45-46 दिन दिए, कोई एक बात याद है कि यार ये चीज बड़ा बढ़िया रहा चुनाव में, मिला ये बंदा मिला कुछ बताया, कोई बात याद आ रही हो घटनाक्रम? सब लोगों ने मिलकर के यही कहा कि साहब आपको हम जिताएंगे क्योंकि हम अपने बच्चों को मरने नहीं देना चाहते। ये बहुत बड़ी बात है साहब। ट्रस्ट है, विजन है, बिलीफ है। बुजुर्ग लोग जो कहां कहां से आए नहीं आए, आप ये देखिए कि माननीय शिवराज जी चौहान का की सभा हुई और महापुर सभा में माननीय शिवराज जी चौहान ने हमारी गारंटी ले ली कि विजय बैंसला ने जो कहा है वो पूरा करेगा, ये गारंटी हम देते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। माननीय स्मृति ईरानी जी आई, इतनी बड़ी लीडर है, पूरे लंबा भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हम बदलेंगे, सिस्टम बदलेंगे। और जो बुजुर्ग व्यक्ति है, लोग बाग बुजुर्ग व्यक्ति 80-80 साल के चल करके वोट देने आए, बड़ी बात। 3 दिसंबर के बाद आपको कहां देखा जाए, क्या लगता है, क्या मन में कुछ है? 3 दिसंबर के बाद में जब गणना हो जाएगी और सबके आशीर्वाद से जब सरकार बनेगी और वो 2/3 बहुमत से जब राजस्थान में BJP की सरकार बनेगी, उस मोतियों की माला में जब एक मोती देवली उनियारा का भी होगा तो आप तो मुझे देवली उनियारा में ही देखोगे लोगों के बीच में उनका काम करते हुए, क्योंकि मैं प्रॉमिस करके आया हूँ एंड आई डोंट मेक फेक प्रॉमिसेस। मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं कर सकता वो कभी कहता नहीं। मैं तो लोगों के बीच में उनका काम कर रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ विजय बैंसला जी, जो देवली उनियारा से भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो मैदान में थे चुनाव लड़ करके। अब इंतजार सभी को है 3 दिसंबर का कि क्या होने वाला है। ABP लाइव में संतोष कुमार पांडे, जयपुर।